नमस्कार स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संक्षारण, है ना, संक्षारण और मिश्र धातु के बारे में। ठीक है, जो पिछली कक्षा जो हुई थी उसमें हमने पढ़ा था धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है, जिसमें हमने जो है लोहे का धातु कर्म कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने जाना था, है ना, बहुत डिटेल से पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण और मिश्र धातुओं के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर जो है संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण है ना किसी धातु के ऊपर, है ना, किसी धातु पर उसके यौगिकों का बनना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कोई लोहा है, ठीक है, लोहा के ऊपर में आपने देखा होगा जो लोहा जो है उसके ऊपर में जो है भूरे रंग की जो है पपड़ी जम जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, जंग, है ना, क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। किस धातु के संक्षारण का, लोहे के धातु का संक्षारण का, ओके। तो जो क्रियाशील धातुएं जो होती है ना, जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती है वो बहुत जल्दी उसमें क्या होता है, संक्षारण जो है बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है ना। तो लोहा जो है क्या है, क्रियाशील धातु है, इसी कारण से बहुत तेज़ी से उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, जो संक्षारण का क्या है, एक उदाहरण है, ओके, समझ में आ रहा है। तो संक्षारण आप समझ गए होंगे कि किसी धातु की ऊपरी सतह पर उनके यौगिकों का बनना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण से क्या होती है, वो जो धातु रहता है वो ख़राब होने लगता है, ठीक है ना। तो ये जो है संक्षारण, जो है संक्षारण के लिए आवश्यक होता है, किसी भी धातु के संक्षारण के लिए ऑक्सीजन और नमी, है ना। कोई भी धातु जब क्या करता है, ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ही क्या करता है, वो जो है धातुएं जो होती है वो नमी की उपस्थिति में क्या करते हैं, ऑक्सीजन से जो है क्रिया करते हैं और उनके यौगिकों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। मतलब ये है संक्षारण के जो है ऑक्सीजन और नमी क्या है, बहुत ही आवश्यक है। यदि इनको धातु को जो है ऑक्सीजन और नमी से अगर दूर रखा जाए, अलग रखा जाए, तो संक्षारण की क्रिया नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये तो आप समझ गए संक्षारण है ना। तो संक्षारण को जो है हम ये इस वाले वीडियो में हम संक्षारण को जो है हम जंग लगने की क्रिया से जो है अच्छे से समझेंगे, है ना। और संक्षारण से जो है हम कैसे बच सकते हैं, धातुओं को कैसे जो है संक्षारण की क्रिया से बचा सकते हैं, इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जंग लगने की जो क्रिया है ना, जंग लगने की क्रिया, तो इसको आप पढ़ लेंगे, है ना, जो क्रियाकलाप है इसको, क्योंकि आप जंग लगने की क्रिया जो अपने आसपास में देखते रहते हैं। आपका जो जैसे कि साइकिल है, साइकिल बार बार जो है नमी के, है ना, नमी के संपर्क में और वायु के संपर्क में आते रहता है, और जो साइकिल का जो रिंग रहता है उसमें क्या लग जाता है, या फिर खिड़की जो है उसमें जो है जंग लग जाती है, यदि हम उनको खुला छोड़ दें तो, है ना। इसी कारण से हम क्या करते हैं, जो जो खिड़की जो रहता है उसको हम क्या करते हैं, खिड़की है, लोहे का दरवाज़ा है, उनको हम क्या करते हैं, नमी और जो वायु जो रहता है उनके संपर्क से रोकने के लिए जो है उसमें पेंट या ग्रीस पेंट लगा देते हैं, है ना, ताकि जो है उनके संपर्क में ना आ पाए इस कारण से। तो ये जो क्रियाकलाप है इसको आप क्रियाकलाप 5 को आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आप जंग जो है जानते ही हैं, जंग है ना, जंग कैसे लगता है उसको आप उदाहरण के रूप में देखते ही रहते हैं। हम सीधा जो है यहाँ पर जो है इसके जो है हम जंग लगने जो क्रिया है उसको क्या क्या चीज़ें जो है प्रभावित करती है उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझते हैं। तो देखिए जंग लगने की जो क्रिया जो होती है ना, इन पर जो है किन किन चीज़ों का जो है प्रभाव पड़ता है, जो कि जंग लगने की जो क्रिया जो है उस पर, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए लवण या अम्लों की उपस्थिति, ठीक है ना, लवण या अम्लों की उपस्थिति जो है क्या करती है, जंग लगने की क्रिया को प्रभावित करती है। यदि क्या होता है, यदि जो धातु जो होती है ना, यदि वहाँ पर जो है लवण या अम्लों की उपस्थिति होती है और अधिक होती है, तो जंग जो है अधिक शीघ्रता से क्या होती है, लगती है, ओके। इसी कारण से जो है जो समुद्र के जो इलाके जो होते हैं, जो समुद्री जो इलाके जो होते हैं वहाँ पर जो है जो धातुएं जो होती है ना, उस पर क्या होता है, जंग जो है बहुत जल्दी तेज़ी से जो है शीघ्रता से क्या होते हैं, लगते हैं, ठीक है, समझ में आया। और इसी प्रकार से जो है जो जंग लगने की जो दर है वो जो है धातुओं की प्रकृति पर भी क्या होती है, निर्भर करती है।
जैसी जैसी जो है अलग अलग जो है धातुएं जो होती है उसके अनुसार जो है संक्षारण मतलब जो है संक्षारण लगने की जो दर है मतलब जंग लगने की जो दर है वो क्या होती है प्रभावित होती है ना, धातु की प्रकृति के ऊपर क्या होती है निर्भर करती है। यदि अधिक क्रियाशील धातु है बहुत तेज़ी से क्या होते हैं जंग लगते हैं, यदि कम क्रियाशील धातु है तो धीमी धीमी गति से क्या होती है उस पर जंग लगती है। ओके समझ में आया, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके अलावा जो है पीएच मान पर भी क्या होता है निर्भर करता है संक्षारण की दर जो है। पीएच मान मतलब वो जो है अम्ल है कि क्षार है इस पर मतलब जो है अम्लता पर क्या करता है निर्भर करता है पीएच मान पर, है ना समझ में आया। उसके बाद जो है हम देखेंगे जंग लगने को नियंत्रित करना है ना, जंग लगने की जो है जो जंग जो लगता है उसको जो है हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ओके तो इसके लिए जो हमको क्या करना होगा, यदि हमको जंग जो धातुएं जो है जैसे कि लोहा है ना उनको यदि हम जंग लगने से रोकना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि जंग लगने के लिए जो हमको जो है दो चीज़ों की जो है बहुत ही आवश्यक होता है ना, जंग लगने के लिए जो है दो चीज़ों की, एक है नमी और दूसरा क्या है हवा। यदि इन दोनों को जो है क्या किया जाए धातु के संपर्क से रोका जाए तब क्या होगा जंग जो है जंग लगने को हम क्या कर सकते हैं नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। इसी कारण से हम क्या करते हैं हम जब क्या करते हैं जब हमको जो है जंग लगने से हमको रोकना रहता है तो हम क्या करते हैं जो धातु लोहे की धातु से बनी जो भी चीज़ें होती हैं उस पर हम क्या करते हैं उस पर जो है हम पेंट है ना पेंट या फिर क्या कर देते हैं ग्रीस लगा देते हैं। समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं लोहे को जो है वायुमंडल से क्या करता है अलग करता है ना, जो नमी है और जो वायुमंडल का जो ऑक्सीजन है ना उससे क्या करता है उसे वायु से क्या करता है ये जो है अलग करता है किसको लोहे को, और ये जो है जो जंग लगने की क्रिया है उसको क्या कर देता है उसको जो है रोक देता है ना, क्रिया नहीं होने देता संपर्क में नहीं आने देता। समझ में आ रहा है, तो ये जो प्रक्रिया इसको हम बोलते हैं रोधी का रक्षण, क्या बोलते हैं ये जो क्रिया जो है जंग रोधी परत लगाने की जो क्रिया है इसको हम बोलते हैं रोधी का रक्षण। समझ में आया, और इसके अलावा जो है विद्युत लेपन द्वारा भी क्या करते हैं जो लोहे जो लोहा का लोहे की जो धातु है उस पर हम क्या करते हैं दूसरे धातु की हम क्या कर देते हैं परत चढ़ा देते हैं, जैसे टीन है निकिल है क्रोमियम है तो इन धातुओं की हम परत चढ़ाते हैं तो क्या होता है वो जो जंग है ना जंग रहित तो जो है क्या बन जाता है धातु बन जाता है मतलब उस पर जंग नहीं लगता है यदि इन धातुओं का हम क्या करते हैं परत चढ़ाते हैं विद्युत लेपन विधि से। समझ में आ रहा है ना, समझ गए यहाँ तक। तो ये क्या है जंग लगने को नियंत्रित करना, मतलब हम जंग जो धातु जो है उस पर जंग ना लगे करके हम क्या कर रहे हैं उस पर जो है कुछ ऐसा जो है परत चढ़ा दीजिए जैसे पेंट है ग्रीस है या फिर विद्युत लेपन, ये सब विधि हम क्या करते हैं अपनाते हैं। समझ में आया, इसके बाद जो है इसके अलावा हम और क्या करते हैं, इसके अलावा हम क्या करते हैं एक हम यहाँ पर करते हैं धातुओं का जो है गैल्वेनाइज्ड है ना गैल्वेनाइज्ड लोहा यहाँ पर जो हम क्या करते हैं देखिए हम जो है जो जो धातु जो होती है ना उसको जो है हम संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं उस पर जो है अधिक सक्रिय धातु को क्या कर देते हैं उस पर जो है परत चढ़ा देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, क्या बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई लोहा है लोहा के ऊपर जो है जैसे कि लोहा है लोहा से अधिक जो है सक्रिय धातु है जो लोहा से अधिक सक्रिय धातु है उसके हम क्या कर देते हैं इसके ऊपर जो है परत चढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है जो यहाँ पर जो संक्षारण जो होना था है ना तो जो नमी है और वायु के संपर्क में कौन आएगा जो ऊपर जो धातु की जो परत चढ़ी है वो आएगी है ना, और इससे जो है वहाँ पर क्या बना लेता है एक दूसरा यौगिक बना लेता है जिसके कारण से जो नीचे वाला जो लोहा जो रहता है उस पर किसी भी प्रकार से कोई भी जंग नहीं लगता है। समझ में आ रहा है, ये क्या कहलाता है ये जो विधि है लोहे की परत चढ़ाने की जो विधि है इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं जिंक की जो है जिंक धातु जैसे जिंक है ना जो क्या है लोहा से जो है ज़्यादा क्रियाशील है उनका हम क्या कर देते हैं परत चढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से और अलग अलग धातुओं को क्या कर देते हैं वहाँ पर जो है परत चढ़ा देते हैं, मतलब जिस धातु को हम जंग लगने से बचाना चाहते हैं संक्षारण से बचाना चाहते हैं उससे ज़्यादा सक्रिय धातुओं को उनके ऊपर क्या कर देते हैं परत चढ़ा देते हैं। समझ में आया यहाँ तक, ये हो गया आपका गैल्वेनाइजेशन। ये सब क्या था, ये सब जो है धातुओं को जो है संक्षारण से बचाने के लिए ये सब विधि को हम क्या करते हैं अपनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम मिश्र धातु बनाकर भी क्या करते हैं
धातुओं को जो है जंग लगने से जो है बचा सकते हैं या बचाते हैं, ठीक है ना, मिश्र धातु बना करके। मिश्र धातु के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। अब हम समझेंगे लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत। जो लोहा जो होता है उस पर जंग लगता है तो उसका रासायनिक सिद्धांत क्या है, कैसे उस पर जो है लोहा के ऊपर जो है कैसे जंग लगता है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। तो जो लोहे पर जो जंग जो लगता है वो जो है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या होती है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया जो है वो संक्षारण की क्रिया संपन्न होती है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा संपन्न होती है, है ना, समझ में आ रहा है कैसे। चलिए देखते हैं इसके लिए। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, जब जैसे कि मान लीजिए ये लोहा है, ये जो है क्या है लोहा है ना। हम समझ रहे हैं कि जो लोहे पर जंग लगने का जो है रासायनिक सिद्धांत, अब इसमें है जो लोहा जो होता है वो क्या करता है, लोहा जो है ना, ये जो लोहा है इस पर क्या होता है, ये जब क्या होता है वातावरण के जो है वायु और नमी के जो है संपर्क में आता है, तब जो लोहा जो होता है उस पर जो है दो आवेश जो है दो आवेश क्षेत्र जो है क्या होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं, एक धनावेश क्षेत्र और दूसरा जो है मतलब एक धनात्मक क्षेत्र और एक ऋणात्मक क्षेत्र। जैसे कि मान लीजिए इस साइड जो है ये ऋणात्मक क्षेत्र और इस साइड जो है धनात्मक क्षेत्र क्या हो जाते हैं उत्पन्न हो जाते हैं उनके सिरों पर, ठीक है ना, मतलब उनकी सतह पर जो है दो क्षेत्र जो है निर्मित हो जाते हैं, एक धनात्मक क्षेत्र और दूसरा जो है ऋणात्मक क्षेत्र। अब इस प्रकार से जो है ये क्या होने लगता है, ये जो लोहा जो रहता है खुले वातावरण में जो नमी और वायु के संपर्क में आता है उस पर जो है दो क्षेत्र जो है एक धनात्मक क्षेत्र और एक ऋणात्मक क्षेत्र क्या हो जाते हैं निर्मित हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो लोहा जो रहता है उसका जो सतह जो रहता है वो विद्युत रासायनिक सेल की भांति क्या करने लगता है व्यवहार करने लगता है, मतलब एक ऋण और एक धन क्षेत्र निर्मित हो गया ना यहाँ पर, मतलब सेल में जैसे रहता है वैसे ही, मतलब ये जो है विद्युत रासायनिक सेल की भांति जो है क्या करने लगेगा व्यवहार करने लगेगा। तो अब आगे क्या होता है समझिए, अब आगे होता ये है कि यहाँ पर जो है जो आयरन जो रहता है Fe2 जो रहता मतलब Fe रहता है जो आयरन जो रहता है वो क्या करने लगता है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए जो है ये ऋण है और ये धन है ना, ये जो है दो क्षेत्र निर्मित हो जाता है धनात्मक क्षेत्र और ऋणात्मक क्षेत्र। तो ऋणात्मक क्षेत्र के पास क्या होता है यहाँ पर क्या कौन सी क्रिया होती है, जो आयरन जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है त्याग देता है, आयरन जो है दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है त्याग देता है। देखिए यहाँ पर जो है दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, अब Fe जो है दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या होगा, यहाँ पर यही होगा ना कि Fe जो है लिखते नहीं बन रहा है ना, आप देखिए इसमें Fe दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Fe2+ बनेगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है त्याग रहा है, ठीक है ओके समझ में आया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया यहाँ पर ये त्याग दिया। अब त्यागने के पश्चात क्या होता है देखिए आगे, यहाँ से जो है Fe2+ जो है ये जो है आयरन जो है क्या करता है, आयरन जो है लोहा जो है दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, मतलब ये एनोड है ना, यहाँ पर जो है ऋण आवेश है ऋणात्मक है मतलब क्या है एनोड है और धनात्मक है मतलब यहाँ पर इस साइड जो है कैथोड सिरा है, समझ में आया, ये सतह है ओके लोहे का। उसके बाद जो है दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है ना, मतलब जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाता है त्यागते हैं और त्याग करके यहाँ पर जो है ये ऐसा Fe2+ में बदल जाता है। अब उसके बाद आगे क्या होता है, अब कैथोड पर जो है क्या होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं और हाइड्रोक्सी आयन बनाते हैं। अब ये जो है देखिए यही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागे रहते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं यहाँ पर ऋण आवेश से जो इलेक्ट्रॉन त्यागे रहते हैं ऋण आवेश पर जो है आयरन जो है इलेक्ट्रॉन त्यागे रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जो है कैथोड पर क्या होता है यहाँ पर जो धनात्मक जो है धनात्मक जो होता है धनात्मक क्षेत्र जो होता है वहाँ पर जो है जल जो होता है क्या होता है जल है ना, जल H2O जो नमी जो होता है और ऑक्सीजन दोनों क्या करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण कर लेते हैं, है ना, ग्रहण करने के पश्चात यहाँ पर क्या बनाते हैं हाइड्रोक्सी आयन बनाते हैं, क्या बनाते हैं हाइड्रोक्सी आयन ओके हाइड्रोक्सी आयन बनाते हैं। देखिए H2O और ये जो है O2 है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिए ग्रहण कर लिए और ग्रहण करने के पश्चात क्या बनाते हैं हाइड्रोक्सी आयन बनाते हैं ओके समझ में आया। अब उसके पश्चात आगे क्या होता है, ये जो हाइड्रोक्सी आयन है ठीक है ना, ये जो हाइड्रोक्सी आयन है और यहाँ पर जो बना है Fe2+ है ना, क्या बना है यहाँ पर Fe2+ बना है और यहाँ पर जो है ये हाइड्रोक्सी आयन बना है,
ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, क्या कर लेते हैं यहाँ पर जो है आगे जो है जुड़ जाते हैं। देखिए अब आगे क्या होता है, ये जो है ये आप समझ गए कि दो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, जो धनावेश जो रहता है वहाँ पर जो है धनात्मक क्षेत्र में जो है जो जल है और वायु जो है उसके द्वारा ऑक्सीजन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो है हाइड्रोक्सी आयन बना देते हैं, हाइड्रोक्सी आयन बना लेते हैं ना। अब क्या होता है फिर से जो है जो एनोड पर जो Fe2+ बने रहते हैं और आयन और जो हाइड्रोक्सी आयन जो है आपस में क्या कर लेते हैं, आयनों से जो है ये जो है क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करके क्या बनाते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड सॉलिड बनाते हैं, मतलब ठोस अवस्था में जो है फेरस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, मतलब देखिए ये जो है Fe2+ और ये जो है दोनों है ना हाइड्रोक्सी आयन, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फेरस हाइड्रोक्साइड, ठोस अवस्था में बनाते हैं ये फेरस हाइड्रोक्साइड। अब यही जो है ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ही है ना, आयरन मतलब वही फेरस हाइड्रोक्साइड, उसी को मैं बोल रहा हूँ। अब ये जो है क्या करते हैं, ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है ये क्या करते हैं, वायुमंडल के ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन द्वारा जो है नमी की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं, ये जो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब यही जो फेरस हाइड्रोक्साइड जो था, मतलब देखिए ये जो है यहाँ पर देखिए आप, ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागा, त्यागने के पश्चात ये जो है, ये जो है हाइड्रोक्स, ये जो है नमी है ना, मतलब H2O और ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो है उससे क्रिया, वो जो है क्या कर लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सी आयन। अब ये हाइड्रोक्सी आयन और यहाँ पर जो Fe2+ जो बना रहता है धनावेश जो है Fe2+, दोनों आपस में फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं ठोस। अब यही जो फेरस हाइड्रोक्साइड ठोस जो है वो क्या करता है, वो जो है वातावरण में जो है ना, वातावरण में जो वायुमंडल है उनके जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन द्वारा जो है नमी की उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं है ना, नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, यही जो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। और इसी हाइड्रेटेड, देखिए यहाँ पर Fe2 है ये है ना, FeOH2 है, मतलब फेरस हाइड्रोक्साइड है, आयरन आयरन हाइड्रोक्साइड यही जो बनाया था वो। उसके पश्चात ये क्या होता है, ऑक्सीजन से और H2O जल से जो है क्या करता है, ये क्रिया करता है ना, और क्या बना लेता है यहाँ पर जो है आयरन हाइड्रोक्साइड, क्या बना सॉरी यहाँ पर ये बना लेता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये यही क्या है, यही जो है जंग का क्या है, रासायनिक सूत्र है Fe2O3 × FeH2O सॉलिड, ठोस अवस्था में। और यही जो है वही क्या है, यौगिक है, जो जो लोहा जो रहता है उसके ऊपर जंग के रूप में हमको भूरे रंग में दिखाई देती है। ओके, इसको बोलते हैं रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको जो है लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और बहुत सरल भी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मिश्र धातु के बारे में। तो मिश्र धातु क्या होता है, आप देखते होंगे आप अपने घर में जो है बहुत सारे जो है मिश्र धातुओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे कि आपके घर में जो है कांच का बर्तन होगा, पीतल का बर्तन होगा, ये सब क्या है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु कहने का मतलब है इसमें क्या होता है, मिश्र धातु में जो है एक जो है मुख्य धातु के साथ में जो है अन्य धातुओं को या फिर अशुद्धियों को क्या कर दिया जाता है, एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। ठीक है ना, और ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम क्या कर सके, उस बेहतर गुण हम क्या कर सके, धातुओं का बेहतर गुण के गुण जो है प्राप्त कर सके। समझ में आ रहा है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे जो है आपका जो है जो सोना जो होता है 24 कैरेट का सोना एकदम शुद्ध होता है, लेकिन वो जो है एकदम मुलायम होता है, और यदि मुलायम है तो वो हमारे किसी काम का है क्या, नहीं है। इस कारण से उसमें हम अशुद्धि मिला दिए, क्या मिला दिए, अशुद्धि मिला दिए। तो अशुद्धि यदि हम मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है और वो हमारे काम का होता है। ठीक इसी प्रकार से जो है और बहुत सारे जो धातु हैं उनमें क्या कर देते हैं, अन्य कई प्रकार के धातुओं को मिला देते हैं या फिर अशुद्धियों को निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, और इस प्रकार से जो हमको जो है जो नई धातु जो प्राप्त होती है वो मिश्र धातु कहलाती है। और मिश्र धातु का जो गुण जो होता है वो मूल धातु से क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब जो है उनके गुणों में क्या हो जाता है, एक परिवर्तन आ जाता है। ओके, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। तो प्राचीन काल से ही क्या हो रहा है कि मिश्र धातुओं का जो है हम उपयोग करते हुए आ रहे हैं, समझ में आया। और मिश्र धातु की जो है, मिश्र धातु बनाने का मुख्य कारण क्या है, तो धातु की गुणवत्ता को बढ़ाना है, उसे कठोर बनाना है, उनके गलनांक को कम करना है, ये सब क्या है, कारण है। समझ में आ रहा है ना,
इसके अलावा जो जो धातु क्या होते हैं आसानी से जो है ढाल नहीं सकते हैं, है ना, तो इनका जो है उन सब क्षेत्रों में क्या होता है मिश्र धातु को जो है कारगर साबित होता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये आप समझ गए होंगे मिश्र धातु जो है क्या होता है। ओके, समझ में आया? अब हम आगे पढ़ेंगे मिश्र धातुओं का जो है उदाहरण देखेंगे, क्या देखेंगे मिश्र धातुओं का उदाहरण, जैसे कि पीतल। तो पीतल जो होता है, पीतल में जो है 60-80% जो है क्या होता है कॉपर होता है, और जिंक जो होता है 40, है ना, मतलब जो है 80% जो है ये क्या होता है कॉपर होता है पीतल में, और 20% क्या होता है जिंक होता है। और पीतल, पीतल का उपयोग आप जानते हैं, हम जो है घरेलू सामान बनाने में बर्तन में इसका उपयोग होता है। दूसरा है कांसा है, कांसा जो है कॉपर और टीन से मिलकर के बना होता है, तो 90% उसमें जो है क्या होता है कॉपर होता है, और 10% क्या होता है टीन होता है। और कांसा का उपयोग जो है हम सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में करते हैं। ओके, इसके अलावा जो है हमारे कुछ देख लेते हैं, जैसे सोल्डर है, रंगा जो सोल्डिंग करने का जो आता है ना, सोल्डर का जो रंगा जो आता है चांदी कलर में दिखता है, उसमें जो है टीन जो है 50% से 75% और लेड होता है उसमें 25%। धातुओं के तारों को जोड़ने में उनका क्या होता है उपयोग होता है। इस प्रकार से इसमें जो है और जो है आपको क्या दिया हुआ है, और जो है मिश्र धातु दिया हुआ है, आप इसको क्या कर लेंगे पढ़ लेंगे। जैसे बेल और बता देते हैं, एक बेल मेटल जो घंटी जो आती है ना, उसमें कापर 80% रहता है और टीन जो है 20%, और उसका उपयोग हम किस में करते हैं घंटी बनाने में। तो इसमें जो है और उदाहरण दिया हुआ है, उसको आप क्या कर लेंगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो आशा करता हूँ कि आपको क्या पूरा जो है ये जो है समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से आपका जो है ये वाला जो आपका चैप्टर जो है ना क्या होता है पढ़ने के मामले में जो है समाप्त होता है। और मैं आपको लिखने के लिए PDF जो है अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है? और इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर क्या होता है समाप्त होता है, ठीक है? अब जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है नया चैप्टर क्या करेंगे शुरू करेंगे, ठीक है? आप जो है इसको एक बार पुनः जो है अच्छे से बुक से और पढ़िएगा, है ना। इसमें से जो है आपको जो है जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ मैं, है ना। एक बार आप समझिएगा कि इसमें कौन कौन सी, ये वाला जो चैप्टर है इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम पढ़े हैं धातु कर्म जो है ना, जिसमें जो है अयस्क सांद्रण पढ़े हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, झाग उत्प्लावन विधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो है धातुओं का निष्कर्षण जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, धातुओं का शोधन कैसे किया जाता है तो ये सभी इंपॉर्टेंट है ना। रासायनिक विधियाँ हैं, भौतिक विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहे का जो धातु कर्म जो है वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ओके, इसके अलावा संक्षारण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। संक्षारण से जंग लगने की जो क्रिया जो है रासायनिक, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मिश्र धातु है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको मैं बता दिया हूँ, है ना। और इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है ना। और जब नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके।